अम्मी बना रही हैं यहाँ पर ओट्स का नाश्ता, एक बन गया ये मैं ले जाती हूँ, और दो बंदों का ये एक वो, और मैं खाऊंगी तंदूर वाली रोटी। ध्यान रखिए जी। नहीं आप हाथ में लें, और यहाँ पे व्लॉग देख रही हैं बैठ के सुबह सुबह। मैंने कहा शेर भी कभी मुंह धोते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं धोते हैं, शेरों के मुंह धुले होते हैं, धुले होते हैं बिस्मिल्लाह। और ये चीता साथ क्यों, बल्कि गिदड़ क्यों लिटाया हुआ है साथ? ये क्या बाल लगे हुए हैं सारे? हाँ वो तितली के लगे, तितली के बाल बहुत उतर है। अम्मी मोबाइल आईफोन के लगे हैं, बन्नों के लगे हैं, बन्नों अभी आईफोन गिर गया मेरा, जान के तोते देखता रहता है, मुड़ मुड़ के देखता रहता है। मैं घंटे से पता इसके ऊपर यूं ही हाथ रख के बैठी हूँ, बस मैं जाऊंगी फ्रेश होगी, गले में बहुत दर्द है, बुखार भी चढ़ा हुआ ऐसे लग रहा है। देखो हाँ देख लो, हाँ गर्म तो हो रही है, जल रही है, किसी को एहसास ही नहीं है, आवाज बदल गई बंदी की। हाँ देखो। नहीं जी आप लोग भी आए खाएं बिस्मिल्लाह करें, हमारा ओट्स का नाश्ता 3 दिन बाद मिला और मैं कितने सुकून से खाऊंगी। यहाँ पर हमारा मजेदार नाश्ता रेडी हो गया, तंदूर वाली रोटी जिसे मैंने पराठा बना लिया, और पालक गोश्त का सालन। यार आप नाश्ता वाश्ता करके सो गई, उठ जाओ, कोई काम धंधा भी होता है। मैं अपनी अम्मा को बुला रही, मेरा सर दबाए। माथे पे बाल डाल दिए ठंडी ना लगे। चलें अब तो सही हो गया होगा। 2 मिनट यार, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट करते करते पिछले 20 मिनट से 2 मिनट ही बोल रहे हो आप। न्यू लिपस्टिक फ्रेश किया है, उठी हूँ, गले को मैंने ठीक, मैं क्या अगर मैं अपने को ढीला छोड़ दूंगी ना, मैंने बोला हाँ तो मैं बीमार पड़ मत लगो। आज सुबह का गया हुआ बच्चे, पहले से खाना दो, मटके को अम्मा ने पूछा रुखसत कर दिया आज हमने इसको, वो कौन सा गाना है मटके का मुझे नहीं आता। अब इसे बंद करके इसकी जगह हमने कूलर रख दिया। अच्छा मुझे अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से तो आज का ब्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया है, जो होगा जैसे होगा सब दिखाएंगे, सब शेयर करें, इंशाल्लाह हमारे साथ यूं ही बने रहेगा। देखते हैं आज क्या होने वाला है, आज क्या पकने वाला है। तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, गले में दर्द हो रहा है, मैं दर्द ऐसा मुंह देखो एकदम हंसते हंसते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पकेगा इंशाल्लाह। जो कल कपड़े लाए थे कुर्तियाँ, ये हमने ले ली मुझसे, मुझे नहीं चाहिए कलर, और ये वाला केरी एक्सचेंज करके ला दो। मैंने कहा ठीक है, जब मैंने बोला था कुछ और मंगा, बैंगन की खुशी में मंगाए, मुझे नहीं पता था, लहसुन भी दूसरा मंगाया, देसी नहीं मंगाया। जितना प्यार करता है उससे ज्यादा डरता है, डरता नहीं है ड्रामे से। लाइट जलाएं, भारतीय अजान हो रही है, अगरबत्ती अगरबत्ती ले आई है कहीं याद से, जलाते हैं हम डेली मगरिब में, अभी खत्म हो गई। बस आगे हम लोगों ने यहाँ से इतर वगैरह लिए, मैंने तो मस्त मस्त जो है खुशबुए लिए, यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए ये, और यहाँ मैंने इतर लिया, ये घर जाके दिखाऊंगी। पेमेंट करते हैं यहाँ पे, ये ले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, और सामान लेते हैं और चलते बनते। तो यहाँ पे जो है मेरे हाथ में 2-2 शॉपर आ गई है, मैंने जो सूट कल पसंद किया था वो भी ले लिया। फिलहाल तो मैं पैदल पैदल यहाँ पे जा रही हूँ, अभी जो है यहाँ से मैं जो है एक्सचेंज करने हैं, जो मुझे हुमा ने दिए कि जाके एक्सचेंज कर लो, वो करूँगी इंशाल्लाह, फिर थोड़ी देर में घर पहुँचूँगी। ये वाली शॉप है, यहाँ से मैं एक्सचेंज करूँगी और एक्सचेंज करके फिर घर जाऊँगी। ये यहाँ रह गया था, ये भी मैंने ले लिया, और जो मैंने बताया था वो एक्सचेंज करना है वो भी मैं करती हूँ, करके फिर इंशाल्लाह मैं दिखाती हूँ मिल गया ठीक है। बस अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, सामान मैंने यहाँ रख दिया, अभी यहाँ से खाएंगे हलीम, और हलीम खाएंगे साथ में जो नान वगैरह मंगाया है, लग रही है थैंक यू शुक्रिया। हलीम भी आ गई माशाल्लाह, यहाँ हलीम आ गई, आए जी आप लोग भी खाएं, बहुत टेस्टी मज़ेदार यम्मी यम्मी, यहाँ पे हलीम माशाल्लाह मैंने सारे मसाले वसाले डाल दिए, मज़ेदार हो गई, यम्मी यम्मी हो गई, और आप लोग भी खाएं बिस्मिल्लाह करें, मैं भी खा के बताती हूँ मज़े की। मैं कोई आज तो मैंने कहा कोई नज़र भी नहीं आ रही है मांगने वाली, यहाँ से 6 लड्डू ले रही, 6 लड्डू ले रही, 6 लड्डू है ना, हाँ 6 6 है। ये चिंची जा रहा है, बैठ के चलते हैं, वैसे हमने बेकरी से जब आज काफ्तान लेती हूँ या नान लेती हूँ, वरना यहाँ से सीधे सीधे तो अंदर जाए, चलो मिलते हैं घर जाकर, इसको यही आदत है। ये यो ना बेटा, अस्सलाम वालेकुम, दबा दी उसकी क्या दम दबाई, पाँव दबाई,
कुछ भी नहीं दबाया, मैं गिर मर जाऊं, मेरी कोई फिक्र नहीं है। हाँ देखो हुमा, ये तो मेरी है। हाँ नहीं, ये थी मेरी पर मैंने हुमा को दे दी। बैग तो उतारने दो यार, मैं बैग भी नहीं उतारा, बस ही खड़ी हूँ। मैंने मना किया, पूछना शुरू कर रही हूँ। बताओ बताओ, मैं एक्साइटेड। ये है, ये डिफरेंट शॉप। हाँ, ये जोड़ा के सामने, कल हम छोड़ के आए थे। हाँ जी, मैं ले आई। अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है, और इसके साथ ट्राउजर भी। हाँ, बाद में चलेंगे। ये दोनों हलीम आ गई हूँ, अभी करती हूँ गर्म। मजेदार, शुक्र है मैंने कुछ खाया नहीं। अच्छा, पी को नहीं करवाया मैंने, ठीक है पीको, मैं कल करवाना चलेंगे। मैं अकेली थी, फिर मैंने उन्होंने नहीं करवाया। मैं हूँ सच्चा, अगरबत्ती बहुत है। कौन सा फ्लेवर लिया? ओ सो में। अच्छा एक चीज़ दिखाओ, इसकी अगरबत्ती पे चेक करो। अरे वाह, ये अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ता है। इतना बड़ा साइज़ जुम्मे को चलेगी, और ये एक ही खाली पैकेट बैंग है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसा लग रहा है कैडबरी चॉकलेट है ना। हाँ। ये मैं लाई थी दुबई से, इसके जो अंदर था पहले वो बड़ा प्यारा तो, था। अब कभी ना मिले मुझे ना, नहीं, 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 मैं तो पिक्चर भेज दूंगी इसकी, पिक्चर सार आएगी ना, सार को बोलूंगी लेती भी है। हाँ सार आने वाली है बेटा इंशाल्लाह। अभी वीडियो देख के कॉल कर रहे हैं, अभी वीडियो देख के कॉल करें, किसने बोला मैं आ रही हूँ। सार ने बोला मुझे, सच्ची है। कितनी प्यारी इसकी बॉटल लग रही है, घर की नहीं है, घर की है। इस पे लिखा है हुमा ने इस्तेमाल कर सकती, कर सकती है। स्पेशल वाला गिफ्ट होता है ना, स्पेशल। अच्छा, हाँ, अच्छा आप मुझे गिफ्ट देंगी? इज्जत राज में। अच्छा नहीं नहीं, राज आ गई, राज आ गई, मुझे आप नहीं दिला ये मुझे दे दो आप। नहीं गोल्डन और एक सिल्वर पकड़ो, सुनाओ। अच्छा एक ब्लैक है, एक सिल्वर थी, और अच्छा अलग अलग डिफरेंट कलर की ना कलेक्शन लेंगे। जबरदस्त, पक्का। कैसी है मम्मा? ये मैच है, परफेक्ट मैच है। ये मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब मार्केट जाना कैंसिल हो गया। नहीं नहीं कैंसिल नहीं हुआ, तो पीको के लिए कल भी जा सकते हैं। मम्मी लाल धागा कहाँ है? मम्मी बोल रही थी लाल धागा कहाँ है। ये है, ये ऑरेंज में जा रहा है, पूरे घर में फैल गई इसकी खुशबू। ऐसा लग रहा है इतर चल रहा है, मम्मी ने पीछे से चला दिया, पता भी नहीं चला। हयाती कैसा नाम है? हयाती, और इसका है बखूर ऊद। हाँ तो ये तो हमेशा हमारे घर आता है, ऊद तो हमेशा आता है। ये हयाती फर्स्ट टाइम लिया है मैंने। कहेगा कल ही कल आऊँ मैं अपने बेटे के लिए, आई शहजादे के लिए क्या लेकर आऊँ? पंजे 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 खाने, तितली। आई मेरे बच्चे जो नहीं गंगू वंगू है। आई ये किन कर आई मेरा बेटा, जलिस कैसे हो रही है? हाँ देखो 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 देखो, और लो जी कुछ और है, तितो गुशार है तितो को, लो अटैक तितली पे, अटैक गोलो बचा रहा है उसको, अटैक हो गया तितलों पे। उठाया इनका, इनके हाँ दुदुकिन इनका ही है। तितली कहाँ हो सकती है? तितली उसकी पूछल नजर आ रही है आपके फ्रॉक के अंदर, अभी देखना गोलो उसको जरूर। डर गई यू यू देख लिया मुंडी घुमा के, ये क्या अंधेरे में थी, उजाला कहाँ से हो गया? आज बहुत पानी पिया है आपने। मैंने? अच्छी बात है, पानी जो पी नहीं रहे। कोल्ड ड्रिंक आ गई, ये वाली थी उसने, डाइट डाइट नहीं है, मिंट फ्लेवर डाइट है ये। हाँ वो अच्छा नहीं है उसे, देखो डाइट ही चाहिए होगी। मैंने सेवन अप ही खाई थी। ये आपकी? किस मौसम की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम? मैंने बोला मेरा गला खराब है सबका। ये सही है, मैदा चल रहा है मेरा, मैदा। हाँ उसी से हुआ, वो जबरदस्त वाली कच्ची मिर्चों की थी, कच्ची मिर्चों की। मिर्चें ऐसे कच्ची खाने से होता है। पीजो पीजो पीजो। अच्छा हाँ, हिलाते डुलाते नहीं है उसको। हाँ तो अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अचानक से ही बैठी हुई थी, अभी कह रही थी तुम सामान तैयार करो, मैं आलू बैंगन बनाती हूँ। फिर एकदम से कहने लगी मेरा सर फट रहा है, मेरे दर्द भी हो रही है मैदे में बहुत ज्यादा, तो तुम बनाओ। मैं आलू बैंगन तो नहीं बना रही, मैं आलू वाले चावल। अम्मी सही है ना आलू वाले चावल? सबसे पहले मैंने तेल में जीरा डाला है, और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, जीरा भी भुन गया, तो अब इसमें डाल दूंगी प्याज। और ये येलो येलो ऑयल इसलिए क्योंकि ये मछली का ऑयल है। प्याज अच्छे से फ्राई हो गए, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और टमाटर को टमाटर के साथ ही मैं इसमें सारे मसाले जितने भी हैं वो सब घर के मसाले ऐड कर दूंगी। और ये वाइट वाला जो है ये चिकन पाउडर है। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें अब मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू थोड़े से गल जाएंगे तो इसमें पानी डाल के चावल धो के डाल।
यहाँ पर पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और चावल धो के रखे थे, ये डाल देती हूँ इसमें। चावल मैंने इसमें डाल दिए, थोड़ी देर के बाद ये पक जाएंगे। पता नहीं क्या मसला, इतना पानी डाल रही हूँ मम्मी गल ही नहीं रहे, पता नहीं कैसे चावल है। डाल दिया। खाना बना? बन गया। कितनी खांसी हो रही है आपको? गंदी वाली खांसी हो रही है। अरे तित्तो तुम यहाँ सो रही हो? तित्तो कैसे सो रही हो मम्मा के साथ? मजे आ गए आज तो, गोलू की जगह आज इसने ले लिया। इतनी खांसी है फिर चावल खाओगे? क्या खाओ? कोई रोटी सालन खाओ। रोटी डाल दो। चावल रोटी के साथ सालन भी तो होना चाहिए ना। सालन बना दो। नहीं नहीं चावल ही खा लो ठीक है। भाई ये भी लिक करते हैं बनी की तरह, उसको प्यार आ रहा है। मैंने पहली बार देखा है इनको चाटते हुए। इनकी जबान कैसी है? बनी की तो गर्म है बहुत। इनकी खुरदरी है। है बेहोश हो गई? बेहोश नहीं होगा, लगाओ कैमरा आ गया। नहीं नहीं बेहोश हो गई नहीं, अरे हिल रही है ये तो। चावल यहाँ पर मेरे रेडी हो गए मजेदार से, बस थोड़े से गल गए पर टेस्ट बहुत अच्छा है। मम्मी कह रही थी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर मैंने एक बैंगन को गोल गोल काट के उसमें नमक मिर्चें और थोड़ा सा नींबू का मसाला बना के लगा के तो इस तरीके से फ्राई कर रही है। बहुत मजे के लगते हैं खाने में। अरे मेरे बेटे ने खाना खाना है? अरे सदके जो आने तो चेक करो जरा, इतनी पैसे की बनाई है तुमने। आपने खाना खाना है? आपको भूख ही लगी है? देखो खिलाने, इतने मजे मजे की खुशबुएं आ रही है। तितली को भी कुछ खिलाते हैं और थोड़ा हम भी खाते हैं, मतलब पूरा खाने का इरादा नहीं है। जरा सा चखती हूँ, गला बहुत दर्द कर रहा है, आवाज का सत्यानाश तो हुआ है। इंशाल्लाह ये इनको खिला खिलू के फिर मिलते हैं चाय कॉफी। ये देखो मेरे पांव पे क्या कर रहा है। कैसे बोलो कैसे? बहुत टेस्टी बनाया, बहुत मजे का, मेरा यम्मी लाजवाब। मेरा गला सही होता सर बैठी होती मैं पेट भर खाती। चलो कोई बात नहीं, जितना है जितना है उतना खाएंगे, कोई मसला नहीं। फिर इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगे जल्दी, आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो बस आप लोग भी खाएं, बिस्मिल्लाह करें, हम तो खा ही रहे हैं, स्वाद बढ़ा रहे हैं। और माँ आप भी आओ खाओ, और बहुत टेस्टी है, खा के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में। मसला क्या है? अगर मैं आपको वहाँ खाना नहीं दे रही अभी, कोई वजह होगी ना? गुस्सा किस बात का आ रहा है? मेरा मासूम बेटा, कहीं भी जाऊं इसने मेरे साथ कहीं ना कहीं तरीके से फिक्स होना है। यहाँ नहीं बैठा, नहीं यहाँ नहीं बैठा, कहाँ चढ़ के बैठा? आप लोग देखोगे वहां फिर इधर नहीं होगा। वो भाग जाएगा, भाग जाएगा। नहीं नहीं कहीं नहीं जाएगा, बोला है ये मासूम है। मम्मा ने हलीम बना के दे दी, चावल मैंने ये थोड़े से लिए, और मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार पड़ूँ, थोड़े से खा लिए। कोशिश करो खाने की भी कोशिश करो, खाया नहीं जा रहा, बस एक चम्मच हलीम खा लूँगी, बस बहुत है, इनफ हो जाएगा। और क्योंकि अगर नहीं खाऊंगी तो ज़्यादा बिस्तर पकड़ लूँगी, तो वो बिल्कुल नहीं होने दूँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, आप लोग भी खाएं और मैं भी ट्राई करती हूँ। बस बस मुँह कड़वा कड़वा हुआ, बस ना खाओ कुछ भी, आराम करो। यहाँ पे जी आ गई हमारी चाय, आज मैंने चाय बनवाई है पत्ती वाली, और इसमें डालूंगी जुशांदा, इन लोगों की आ गई ग्रीन टी, और हमारे यहाँ लेके बैठ के पेपर। आप बनाओ, आप बनाओ। डब्बा मुझे थमा दिया, अभी इसको मैं बना रही हूँ। यहाँ पे हमने इसको शीट लगा दी, फालतू डब्बा फेंक रही थी, मैंने कहा फेंको नहीं इसको, तो मैं कुछ बना देती हूँ। आओ उसको भी आना है, आओ गई थी वाशरूम वगैरह करने के लिए, बाहर घूम फिर के आ जाती है, फिर आऊँगा वो करती। अभी हम जो है इसको बनाते हैं, पूरे को शीट लगाएंगे, जब पूरा तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा अच्छे वाला, तो फिर जो है ना बिल्कुल सजा के सामान रख के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लग रहा है। और शीट का ज़रूर बताएगा, शीट अच्छी लग रही है ना? ये मैंने बोला था मम्मा को कंट्रास्ट इस तरह का करो, ये अच्छा लगेगा। तो जी आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है? अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा बुखार तेज़ हुआ हुआ है, गला बहुत ख़राब हो रहा है। तो खैर ये चलता रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो में और अच्छे से ब्लॉग में। आप लोगों की दुआएं चाहिए, ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।